Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naman, stay with Abdul Samad Naman ke saath hazir hai. Aaj hum hain janab e man Mason Norton resort mein. Yahan pe beautiful ski resort hai. There is almost you can say 100 different activities. Winter mein thodi kam ho jati hain, lekin summer mein ab aayenge to aap time shares le sakte hain. Bahut acche houses bane hue hain. Families ke saath aap apna behtareen time spend kar sakte hain. थोड़ा बताता चलूँ, ये जगह तकरीबन वाशिंगटन डीसी से अबाउट 130-140 माइल्स पर है और ये पार्ट ऑफ द शेनोडोवा वैली है टूवर्ड्स ऑल द वे, मतलब फ्रंट वेल से स्टार्ट होकर आगे तक जाती है. तो शेनोडोवा वैली के अंदर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर करते हैं, जिसमें एक लॉरे कैवर्न्स है, सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है. केव्स बहुत मशहूर है लॉरे कैवर्न्स की, और यहाँ की जो क्या कहते हैं आपको स्काई फ्रंट रॉयल से आपको एक ऊपर जाने के लिए, हमेशा मैं नाम भूल गया, बहुत बेहतरीन ड्राइव है पहाड़ के ऊपर से आप जा सकते. जितने भी आपको ये माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द शेनोडोवा वैली ऑल द वे टूवर्ड्स आगे दूसरी स्टेट तक जाते हैं. अभी मैं आपको इस जगह पर खड़ा हूँ, ये बड़ा बेहतरीन खूबसूरत स्पॉट है. गर्मी में बहुत एक्टिविटी है यहाँ पर, थोड़ा सा चिल है. ऑफकोर्स स्नो के लिए, स्की के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं, इसलिए ज़्यादा जगह डेवलप है. बाकी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. खाली सराउंड बताता हूँ, ये देखें, इफ यू टेक अ लुक हियर, ये यहाँ पर सारी मेरे साथ रहे, मैं भी आपको आगे स्की रिजॉर्ट की तरफ लेके चलता हूँ. सारे पहाड़ों में कोई बर्फ नहीं है, इन दो तीन पहाड़ के ऊपर बर्फ है. ये है प्रॉपर मेसन नॉर्टन रिजॉर्ट का स्की. कितनी खूबसूरत नज़ारा है, चेक करें, और क्या लाजवाब नज़ारा है. ऊपर से ये सारी जो है ना हमारी शेयर लिफ्ट जो हुआ करती थी मरी में जाती जा रही हैं, मैं भी आपको और नज़ारा दिखाता हूँ. अगर आप यहाँ से देखें तो ये देखें, इसमें ये आया जी स्नोबोर्डिंग वाला बंदा. तो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर आप जाके, तीन चार लेवल हैं, जिस मर्जी लेवल से आप आ सकते हैं. आपको यहाँ महसूस होता है कि स्नोबोर्डिंग और स्केटिंग, ये जो आइस स्केटिंग है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है. यहाँ से ये लोग ऊपर जाएँगे परफेक्ट. और मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करता था हमेशा कि मेरे साथ चलें. एक दो दफ़ा आए हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं पड़ी स्की करने की. अबाउट 8 ईयर्स बैक हमने की थी, लेकिन बड़ा हिम्मत वाला काम है. तो इंशाल्लाह इस वीडियो से मैं उनको मोटिवेट करूंगा कि लेट्स गो बैक टू मेसन नॉर्टन रिजॉर्ट फॉर स्की. यू शुड हैव प्रॉपर आइस शूज, द आइस जैकेट, प्लस जो जीन्स होती है जिसके अंदर आपका बिल्कुल पानी ना जाए. ये लोग जा रहे हैं जनाब. अभी मैं आपको लिए चलता हूँ एग्जैक्ट ट्यूबिंग वाली साइड पे, क्योंकि मैं बेसिकली फैमिली के साथ हूँ, तो उसकी फैमिली को छोड़ के स्की पे नहीं जा सकता, इसलिए मुझे ट्यूबिंग करनी पड़ेगी. फैमिली के साथ इजी वीजी है, बच्चों के लिए बेहतरीन स्पॉट है. मैंने पहले मेंशन किया है, यहाँ रहने के लिए लाजवाब पूरे टाउन हाउसेस बने हुए हैं, रूम्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, टाइम शेयर के थ्रू लिए जा सकते हैं. प्लस आप क्लोजेस्ट कोई भी होटल हैरिसन बर्ग में लिया जा सकता है. ये छोटे छोटे बच्चे बहुत वेल ट्रेन हैं. ये जो आपको सोटियाँ आसानी से नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल आसान नहीं है, इट्स वेरी वेरी हार्ड. और ये सारे लोग आपको देखेंगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं ऊपर. तो ये सारे लोगों का इंतज़ाम हो रहा है, ये ऊपर इनको चेयर लिफ्ट लेके जाती है, फिर ये वहाँ से स्की करते हुए फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेवल से स्की करते आते हैं. जितना बंदा स्ट्रॉन्ग उतना ही स्ट्रॉन्ग स्की हो सकती है. ये जो साइड है ये बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों की ट्रेनिंग भी की जा सकती है, पर्सनल ट्रेनर भी होते हैं, और इजी वीजी है ये जी, इजी वीजी. अभी चूँकि ट्यूबिंग वाली साइड वहाँ पे है, वो भी स्टार्ट इन्होंने नहीं की, और अभी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए आइस स्केटिंग यहाँ जारी है. मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा ऑल द फैमिलीज लोगों को कि बच्चों के साथ यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें और मेरे साथ रहें. मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिए चलता हूँ. बर्फ़ में काफ़ी का मज़ा ही अपना है. कुछ
चीज़ें मैं सनाटन रिजॉर्ट आने के लिए बताना चाहूँगा। जब भी आएँ पूरे गियर्स के साथ आएँ, नई बच्चों को कोल्ड भी लग सकती है। इसके अलावा हलाल का कोई ट्रस्ट करके यहाँ पर लाएँ। बहुत से लोग हलाल देखते हैं लेकिन डाउट है, काम डाउट वाला, ठीक है। तो बेहतर अपने साथ हलाल लेके आएँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ। आपकी आस पास आपको बेताशा रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट मिलेंगे जिसमें आप वेजिस खा सकते हैं, सी फूड खा सकते हैं और काफ़ी से गुजारा कर सकते हैं। बेहतर है अपने घर से लेकर आएँ। शुक्रिया। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। मैं आज हूँ सेवोयर किचन मेनेसेस में। आपको पता है ये रोको चिकन वाले राजा आमिर साहब और जितने भी राजा हैं, लसानी कबाब वाले, देश परदेश वाले, उनके भाई, उन्हीं की तरफ से है ये उन्हीं का ही रेस्टोरेंट है, न्यू ओपनिंग है मेनेसेस में। लुक, हमने क्या ऑर्डर किया है अगर आप देखें तो ये है जी सैलड बाउ। तकरीबन ये वैसी चीज़ रोको चिकन में मिलती है, बेहतरीन। हमने राइस के साथ भी लिया है और इनकी स्पेशलिटी बल्ले बल्ले, ये है जी फ्लैट चिकन ब्रेड, ठीक है। इसके अलावा ये है जी है विंग्स। वाह भाई वाह। एक और बात बताता चलूँ, अगर बीफ के मूड में नहीं था लेकिन स्टेक इनकी बहुत लाजवाब है। ऑल्सो अजीब नाम है ड्रिंक का, ब्लू लगून समथिंग, और यह पीना पलाडा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग जो कहते हैं खाली शराब पीने में चीज़ें मिलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबको दूर रखे इन चीज़ों से। विदाउट अल्कोहल भी सारी चीज़ें मैसर हैं, तो ज़रूर आएँ, इंजॉय करें। बहुत अच्छा डाइनिंग है, बड़ी लाजवाब स्पेस है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे से ना उसका नज़ारा भी दिखाता हूँ। Stay with Abdul Samad Noman. Hit like, share and subscribe and press bell icon for more updates.